किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा, मध्य प्रदेश में हुआ। उनका पूरा नाम आभास कुमार गांगुली था। हमें किशोर कुमार के कई रूप देखने को मिले, जैसे गायक, संगीतकार, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक। बिना संगीत की तालीम हासिल किए जिस तरह से उन्होंने फिल्म संगीत में अपना अहम मुकाम बनाया, वो उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। बचपन में किशोर कुमार के गले से सही ढंग से आवाज नहीं निकलती थी, जिसे लेकर उनके परिवार के लोग बहुत परेशान रहते थे। उसी दौरान एक हादसे ने उनके भीतर सुरीली आवाज पैदा कर दी। हुआ यूं कि किशोर कुमार का पैर खेलते खेलते एक बार हंसिए पर पड़ गया। उस दर्द से वो इतना रोए कि इस हादसे से उनके गले की आवाज खुल गई। किशोरदा अपनी सुरीली आवाज के लिए इसी हादसे, इसी एक्सीडेंट को श्रेय देते थे। किशोरदा का रुझान सिनेमा की ओर कम उम्र में ही हो गया था। वो बॉम्बे टॉकीज के साथ जुड़े, जहां उनके भाई अशोक कुमार बतौर अभिनेता पहले से ही जुड़े हुए थे। बड़े भाई की मौजूदगी का उन्हें फायदा मिला और किशोरदा को पहली बार 1946 में फिल्म शिकारी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। बाद में किशोरदा कई फिल्मों में नजर आए। हालांकि उनके भीतर बतौर गायक जो प्रतिभा छुपी थी, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। इस प्रतिभा को सबसे पहले सचिन देव बर्मन जी ने पहचाना। उस वक्त किशोरदा के एल सहगल की आवाज को कॉपी करके गाया करते थे, पर बर्मन साहब के समझाने के बाद किशोर कुमार ने गायकी का एक नया अंदाज बनाया, जो उस समय के गायक रफी जी, मुकेश जी से काफी अलग था। किशोर कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फंटूश में दुखी मन मेरे गीत गाकर ऐसी धाक जमाई कि जाने माने संगीतकारों को उनकी प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वो अपने असल जीवन में भी उसी किरदार के जैसे थे। एक किस्सा बहुत मशहूर है, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्माता ने उन्हें पहले पूरे पैसे नहीं दिए, तो वो फिल्म के सेट पर आधे चेहरे पर ही मेकअप लगाकर पहुंच गए और पूछने पर कहने लगे कि आधा पैसा तो आधा मेकअप। इसी तरह जब निर्माता आरसी तलवार ने उनके पैसे नहीं दिए, तो वो हर दिन तलवार के घर सुबह सुबह पहुंचकर बाहर से ही चिल्लाने लगते थे, आवाज देने लगते थे, चिल्लाते थे, हे तलवार, हे तलवार, दे दे मेरे 8,000। यह अलग बात है कि कई बार उन्हें निर्माताओं के लिए फ्री में भी गाने गाए। अपनी जन्मभूमि खंडवा के लिए किशोर कुमार के दिल में बहुत प्यार था। एक बार वो एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसमें बार बार राधे 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 इस तरह की लाइंस थी। इस गाने को रिकॉर्ड करते समय उन्हें अचानक खंडवा का अपने बचपन का मित्र राधे याद आ गया। उसी रात वो हावड़ा मेल पकड़कर सुबह खंडवा पहुंच गए। वो सबसे पहले राधे के पास गए और उसको गले लगाकर कहा, मुझे तेरी बहुत याद आई तो मैं चला आया। राधे की आंखों से आंसू छलक गए। इसी तरह एक बार फिल्म हाफ टिकट में एक डायलॉग में वो कहते हैं, मम्मी मम्मी चार आने दो, लाला की दुकान से दूध जलेबी खाऊंगा। लाला की वो दुकान खंडवा वाले उनके घर के ठीक पीछे आज भी मौजूद है, जहां वे बचपन में दूध जलेबी खाया करते थे। 1987 में उन्होंने ये फैसला किया कि वो फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने खंडवा लौट जाएंगे। वो अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह गया। 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। उनके अंतिम इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को खंडवा में ही पवित्र अग्नि को समर्पित किया गया।